आज की विजुअल बेसिक की क्लास में हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में समझेंगे। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो है फंक्शन के कॉलिंग के दो मैकेनिज्म होते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो नंबर के एडिशन का एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसकी फंक्शन कॉलिंग करेंगे। दोनों मेथड से हम फंक्शन की कॉलिंग करके देखेंगे कि आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फॉर्म डिजाइन तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर दो लेबल लिए मैंने, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, और लेबल में पहले मैं लिख देता हूँ एंटर ए नंबर, और सेकंड में लिखा मैं एंटर सेकंड नंबर। इन दोनों को ब्लैंक कर देते हैं हम। यहाँ पर मैंने उसको ब्लैंक कर दिया है और दो बटन बना देते हैं यहाँ पर। क्लियर है, ये दो बटन मैंने बनाया। इस बटन में लिख रहा हूं मैं सम बाय वेल। बाय वेल का मतलब होता है बाय वैल्यू या कॉल बाय वेल, और यहाँ लिखेंगे सम बाय रेफरेंस। मतलब यहाँ पर जब हम कॉल क्लिक करेंगे तो बाय वैल्यू होगा, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो बाय रेफरेंस होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये टेक्स्ट वन है, ये टेक्स्ट टू है, और मैंने यहाँ पर बाय वेल पे क्लिक कर दिया। देखिए मैंने बाय वेल पे क्लिक किया। यहाँ पर सबसे पहले मैं दो फंक्शंस बना लेता हूँ। फंक्शंस को मैं यहाँ पर बना करके हम लोग यहाँ पर उसको कॉलिंग कराएंगे। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए हम लोग टूल में जाएंगे, ऐड प्रोसीजर। मैंने पहले ही आपको बताया है कि फंक्शन जो है कोड विंडो में ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ, और यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखता हूँ सम बाई वेल। बाई वेल मैंने जानबूझ के ऐड किया है नाम के लिए। क्लियर है, ताकि नाम चेंज करना होगा इसलिए। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया सम बाई वेल, और एक और फंक्शन मैं यहाँ बना लेता हूँ सम बाई रेफ। सम बाय वेल, सम बाय रेप, दो फंक्शन मैंने बनाए। क्लियर है, तो इन दोनों फंक्शंस में मैं कॉल कर सकता हूँ। पहले इन दोनों फंक्शन की बॉडी हम लिख लेते हैं। देखिए कॉल बाय वेल में हमको लिखना होगा बाय वेल ए इंटीजर या एक्स लिख देते हैं, और फिर कॉमा करके लिखते हैं बाय वेल y as integer, और यहाँ पर लिखेंगे as integer। आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन बना है इसमें by well x as integer, by well y as integer ऐसा लिखा हुआ है। सेम यही चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम चीज, केवल by well के जगह क्या लिखेंगे by reference, और यहाँ भी क्या लिखेंगे by reference। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो कॉल बाय वैल्यू का यूज कर रहा है, और ये जो फंक्शन है वो कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर रहा है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो अंतर हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि विजुअल बेसिक में वो उस फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें सम निकालना है, इसलिए एक और हम यहाँ पर ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और एक और लेबल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सम, और यहाँ पर हमको ब्लैंक करना होगा। क्लियर है, चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। ये दोनों तो हमारा सम फंक्शन का कोड है, और इस फंक्शन में हम सम कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे dim z as integer, और z की वैल्यू क्या होगी x plus y, और y की वैल्यू दे दी जाएगी text 3 में, text 3 dot text equal to z। सेम ये काम इसमें भी होगा। देख रहे हैं कि दोनों में काम सेम हो रहा है, दोनों में आर्ग्यूमेंट भी सेम है। इसको हम कंफ्यूजन के लिए हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। तो देख रहे हैं दोनों में बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस यहाँ बाई वेल लिखा है और यहाँ पे बाई रेफरेंस लिखा है। क्लियर, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की
उसको सम करके टेक्स्ट थ्री में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट थ्री की वैल्यू हम कैसे भेजेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर और डिम सी एज इंटीजर। ठीक है, ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट वन से, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट से आएगी। और सी की वैल्यू क्या होगी, सम बाय वेल। जब मैं इसमें कैलकुलेट करना चाहूंगा या सी की वैल्यू के लिए हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं सम बाय वेल ए कॉमा बी। क्लियर है, यहां पर सी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने सम बाय वेल ए कॉमा बी लिखा है। सेम यही कोड मैं कॉपी कर लेता हूं और यही सेम कोड होगा हमारा इसमें। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बाई रेफ लिखेंगे। क्लियर है, तो देख रहे हैं कि यहां पर कोड में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल यहां पर की वर्ड का अंतर है, ये वाला बाई वेल और बाई रेफ। ये जो नीला वाला दिख रहा है ना, ये क्लियर है। अब जैसे मैं यहां पे कोई वैल्यू देता हूं फाइव और मैंने कोई वैल्यू दी थ्री और मैं क्लिक कर रहा हूँ कॉल बाय वेल पे, तो देखिए एट आया और कॉल बाय रेफरेंस पे कर रहा हूँ तो भी एट आया। यानी कि दोनों की कॉलिंग करने का मैकेनिज्म है और इंटरनली थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर होता है इनकी वर्किंग में, बाकी आउटपुट में ज्यादातर कोई वर्किंग आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है, इसकी वर्किंग को और हम थोड़ा बारीकी से समझ सकते हैं। अगर इनकी वर्किंग को हमको थोड़ा सा और बारीकी से समझना है तो हम यहाँ पर एक बार और आउटपुट देख लेते हैं थोड़ा रिड्यूस करके, ताकि हम इनकी वर्किंग को समझ सकें विथ डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तीन टेक्स्ट बॉक्स बने थे हमारे, और कॉल बाय वेल और कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके हम इनकी आउटपुट को जनरेट कर रहे थे। क्लियर है, तो इनको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमको इस तरीके की स्क्रीन मिल जाए। और हमने यहाँ लिखा फाइव और यहाँ लिखा थ्री, तो ये एट आया है। अब हम इनकी वर्किंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इनकी वर्किंग हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग हम इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शन बने हुए हैं। जैसे ये एक फंक्शन है, आपके पास ये फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर जो आपने वैल्यू दी है फाइव, ये वैल्यू जा रही है यहां से ए में। पहली वैल्यू जो है वो किस में गई है, ए में, क्योंकि ये टेक्स्ट वन है। सेम वैसे ही ये वाली वैल्यू कहां जा रही है इस कोड से, बी में। क्लियर है, ये दोनों वैल्यू कहां गई, ए और बी में। यानी कि ए में वैल्यू है हमारे पास फाइव और बी में वैल्यू आ गई है थ्री, क्योंकि हमने कमांड वन पर क्लिक किया है तो यहां से कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो ए में वैल्यू आई फाइव और बी में वैल्यू आई थ्री। अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो सम बाय वेल फंक्शन कॉल होगा। अब सम बाय वेल फंक्शन कहाँ है, ये है, सम बाय वेल फंक्शन कॉल होगा। ये बाय वेल जो लिखा हुआ है ना, सम बाय वेल, ये फंक्शन का नाम है एक्चुअली। यहाँ पर इसका नाम उससे मिलता जुलता लिखा गया है। तो यहाँ पर जो फाइव की, ए की वैल्यू है फाइव और बी की वैल्यू है थ्री, इसको पास किया जाएगा कहां, ए की वैल्यू पास होगी हमारी एक्स में यूजिंग बाय वैल्यू, बाय इसकी वैल्यू पास होगी, यानी कि फाइव एज इट इज फाइव उठ के यहां पर आ जाएगा और फाइव की वैल्यू जो है यहां कॉपी हो जाएगी। वैसे ही बी की वैल्यू जो है वो पास होगी वाई में और यहां पर आ जाएगा थ्री, यानी x में आ गया 5 और b में आ गया 3।
तो ये x में आया 5 और b में आया, सॉरी y में आया 3। तो 5 और 3 ऐड होने पर क्या होगा, यहाँ पर z में 8 आएगा। तो ये 8 जो वैल्यू है वो कहाँ दे दी गई है, टेक्स्ट 3 में। तो ये जो 8 वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ। सेम इसी प्रकार का अगर देखा जाए तो कॉल बाय रेफरेंस पे जब हम कॉल करेंगे, ये वाले कॉल बाय रेफरेंस में, तो उसमें यहाँ पर जो 5 और 3 जो कॉलिंग हो रही है, ये 5 और ये 3, इसको 5 और 3 को हम ऐसा देख सकते हैं कि उनकी जो कॉलिंग है वो ऐसी होगी। ये वैल्यू यहाँ पर आएगी एक्स में, देखिए कलर चेंज कर दिया मैंने पेन का, और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर 5 और 3 ना आ करके सीधा इनका एड्रेस आ जाता है। एड्रेस आने का मतलब है कि ये दोनों लिंक हो जाते हैं, वैल्यू नहीं जाती है बल्कि लिंक हो जाते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई करेंगे तो वो यहाँ पर आके इसकी वैल्यू रीड करेगा, कॉल बाई रेफरेंस का ये मतलब होता है। हालांकि इसमें भी आउटपुट 8 ही आएगा और यहाँ से 8 जो है शिफ्ट कर देगा, लेकिन दोनों में अंतर है कि यहाँ से वैल्यू पास हो जाती है, इसमें कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास हो जाती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में उनका लोकेशन पास होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने फ्लो देखा, और अब इसको समझते हैं हम अपने प्रोग्राम के द्वारा कि कैसे इन दोनों में अंतर होता है। तो विजुअल बेसिक में आप इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस है कि इसमें कॉल बाय वैल्यू में बाय वेल कीवर्ड का यूज किया जाता है, इसमें बाय रेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। दूसरा डिफरेंस, बाय रेफरेंस एक डिफॉल्ट मेथड है, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो बाय रेफरेंस ही लेता है। बाय रेफरेंस जो है वो डिफॉल्ट मेथड है, यानी आप नहीं लिखते हैं तो बाय रेफरेंस ही जाएगा। यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे तो बाय रेफरेंस जाएगा, बाय वेल करने के लिए हमको लिखना पड़ता है। तीसरा डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास होती है, कॉल बाय रेफरेंस में उसका एड्रेस या रेफरेंस पास होता है। चौथा डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में अधिक डेटा लगता है, यानी एक वैल्यू यहाँ रहती है और एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पास होती है, तो ये मेमोरी ज्यादा लेता है, कॉल बाय रेफरेंस मेमोरी कम लेता है। कॉल बाय वैल्यू जो है आपका जो इसकी वर्किंग है थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, कॉल बाय रेफरेंस की वर्किंग थोड़ी सी स्लो होती है बट मेमोरी कम लेता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जिससे हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझा, और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या कीवर्ड के बारे में भी हमने देखा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस रहता है, इसका मतलब है कि कॉल बाय रेफरेंस की परफॉर्मेंस जो है ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसको हमने एग्जांपल से देखा। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।